जय हिंद दोस्तों, मैं पहुंच चुका हूं जंगपुरा मेट्रो स्टेशन और आप सबका स्वागत है बोंग बोंग में यूट्यूब चैनल में। तो शुरू करते हैं दोस्तों, आज मैं जा रहा हूं निजामुद्दीन दरगाह। यहां से लगभग 1.5 किलोमीटर पड़ता है, तो चलते हैं निजामुद्दीन दरगाह के लिए। हम अंदर जा रहे हैं, ये रास्ते में दोनों साइड में बहुत सारा दुकान लगा हुआ है, यहाँ पे चादर फूल वगैरह बेच रहे हैं, उस तरफ जूते के बच्चे का, लेडीज़ का जूता, बहुत सारा नीचे कारपेट लगा रखा है ये दुकान वाले अपने अपने लिए। Erase my sins from the present and past. To you I pray, bow down prostrate. You are the only one worthy of praise. I stand before you. ये है निजामुद्दीन मस्जिद, निजामुद्दीन मार्काज भी इसी को कहते हैं। अभी नमाज़ ख़त्म हुआ है तो सभी बाहर निकल रहे हैं नमाज़ ख़त्म करके। काफ़ी बड़ा मस्जिद है। आगे होटल बहुत सारा है। बहुत सारे श्रद्धालु यहाँ पे आते हैं अपना मन्नत मांगने के लिए कि अल्लाह की अली की ज़रिए में हमारा दुआ एक अल्लाह के पास कबूल हो जाए, इसीलिए। I surrender to you. I entrust all of my affairs to you. I depend on you for your blessings too, both with hope and fear of you. There is no fleeing from you. There is no place of protection. यहाँ पे कुछ आदमी, जो लोग यहाँ पे कुछ गरीब आदमी को खिलाना चाहता है, वो लोग वो कार्ड यहाँ पे कार्ड रखा हुआ है, इसे कार्ड खरीद लेते हैं। कार्ड 20 रुपये, 25 रुपये, 35 रुपये का कार्ड आता है, ये कार्ड फिर गरीबों में बांट देते हैं। तो वो लोग जिस दुकान का वो कार्ड है उस दुकान में कार्ड दे के वो लोग खाना ले सकते हैं। यहाँ अंदर आते हैं तो यहाँ पे अंदर में गुलाब की खुशबू इतना अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है। हम लगभग पहुँच चुके हैं, अभी पहुँचने वाले हैं जस्ट। अच्छा, और भी थोड़ा सा जाना पड़ेगा अंदर, और अंदर चप्पल लेके जाना अलाउ नहीं है, इसीलिए सभी जिससे पास फूल लेते हैं वहीं पे चप्पल नीचे छोड़ के जाते हैं। पहले हम चप्पल उतार लिए, फिर अंदर जा रहे हैं अंदर। हजरत अमीर खसरू, ये अमीर हजरत अमीर खसरू का मकबरा है ये। सबसे पहले श्रद्धालु आके यहाँ पे वजू बनाते हैं। दोस्तों फाइनली मैं वजू कर लिया, वजू करके मैं अंदर की ओर जा रहा हूँ। अभी हम हजरत अमीर खसरू की दरगाह से निजामुद्दीन औलिया की दरगाह की ओर जा रहे हैं। कितना सुंदर लग रहा है, कितना बढ़िया नज़ारा है। बस
So. And to worship you, I uphold my covenant as much as I can. Let me die in a state of Islam. My life, my death is all for you. You are the only one worthy of praise. ये धूप जलाने का जगह है, यहाँ पे सभी धूप जलाते हैं। तो दोस्तों, मैं अभी निज़ामुद्दीन दरगाह के अंदर जा रहा हूँ, अंदर देखेंगे। हजरत निज़ामुद्दीन की कब्र है ये। डेली शाम को इस समय में कवाली क्या करते हैं, और ये है दरगाह, हजरत निज़ामुद्दीन का दरगाह है ये। और दरगाह के अंदर महिलाओं को जाना मना है, ओनली फॉर जेंट्स अंदर जा सकते हैं, और महिलाओं को, इसलिए महिलाएं लोग बाहर बैठ के दुआएं मांगता है हजरत निज़ामुद्दीन औलिया की वसीले से। ये देखिए, और ये दरगाह बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ पे तबारक बांटा जाएगा, क्या मतलब सिरनी बांटा जाएगा, इसलिए अभी यहाँ पे लाइन लगा हुआ है, कुछ ही देर में बांटा जाएगा। दोस्तों, आप लोगों को ये पूरा मैं घूम के दिखा रहा हूँ, यहाँ का ये बाहर जाने का रास्ता है ये, और यहाँ पे वजू खाना है, जहाँ पे वजू करते हैं, यहाँ पे वजू करने के बाद ही अंदर जाते हैं, थोड़ा साफ़ सफाई हो के, फिर यहाँ पे पानी का बंदोबस्त किया गया है पानी पीने के लिए। यहाँ पे देखिए निज़ामुद्दीन बंधु लोग कवाली कर रहे हैं, बहुत खूबसूरत, बहुत ही सुरेला। दोस्तों, ये है निज़ामुद्दीन दरगाह, यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कवाली हो रहा है कुछ आदमी। तो दोस्तों, यहाँ पे मेरा काफ़ी टाइम हो गया, अभी मैं चलता हूँ, अब अपने घर की तरफ रवाना देता हूँ, बाहर जाता हूँ। बाहर जाते वक्त यहाँ पे मैं चप्पल पहन लूँगा, अभी मैं बाहर जा रहा हूँ। 4 ओर गुलाब के फूल, और थाली में गुलाब के फूल यहाँ पे बेचा जाता है, और जिनके पास कोई गुलाब के फूल खरीदते हैं उसी के पास नीचे जूता छोड़ के जाते हैं, क्योंकि बहुत सारा अगर ग्रुप में आदमी आता है बहुत जूता हो जाता है, तो उसको रखने के लिए जगह चाहिए, तो नो प्रॉब्लम, विश्वास के साथ रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है।